अगेन गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स. बेटा हम नाइट्रिक एसिड कर रहे थे, जिसमें हमने प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड पढ़ा. प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं नाइट्रिक एसिड की, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी. अब है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आता है एसिडिक करेक्टर. कैसा करेक्टर शो करता है नाइट्रिक एसिड? इट शोज़ द एसिडिक करेक्टर. इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बिकॉज इट इज़ highly ionized in the aqueous solution giving the hydronium and the nitrate ion. aqueous solution में ये क्या देता है? hydronium ion देता है और nitrate ion देता है. तो electron donating ions donate करता है ये. it turns blue litmus to red. it forms salt with the metallic oxide, hydroxides, carbonates and the bicarbonates having only one series of salt called the nitrates. nitrates one series ke sath ye kya deta hai hamare paas hydroxides ye diya hai unhone. different examples ye hai NaOH ko jab HNO3 ke sath treat karte hain to NaNO3 plus H2O milta hai. सोडियम कार्बोनेट को करते हैं Na2CO3 को करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 के साथ तो हमें मिलता है NaNO3 plus H2O plus CO2. और ये डिफरेंट ऑक्साइड्स दिए हैं, इनकी रिएक्शन बताइए HNO3 के साथ कैसी है. सेकंड है डीकम्पोजिशन. नाइट्रिक एसिड डीकम्पोजिज ऑन हीटिंग गिविंग द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर एंड ऑक्सीजन. फोर एच एन ओ थ्री हीट किया, क्या दिया इसने? एन ओ टू प्लस ओ टू और एच टू ओ लिक्विड. नेक्स्ट इज एक्शन ऑन मैटर विद द एक्सेप्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम. नाइट्रिक एसिड अटैक ऑल द मेटल फॉर्मिंग ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट. द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल, द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड टेम्परेचर. गोल्ड और प्लैटिनम नोबल मेटल्स हैं, जो इनको छोड़ के हर एक मेटल के साथ जो है नाइट्रिक एसिड जो है वो कंपाउंड बनाता है. ठीक है, प्रोडक्ट बनाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है. वो उनकी नेचर डिपेंड करती है कि मेटल कैसा है, कंसंट्रेशन कितनी है मेटल की, टेम्परेचर कितना रखा है. ये हर एक मेटल के साथ प्रोडक्ट्स देता है, सिर्फ नोबल मेटल्स के साथ जो है वो प्रोडक्ट नहीं देता है. नेक्स्ट इज मेटल. अब एक्शन विद मेटल्स में इसमें दिया है नेक्स्ट ए पार्ट है मेटल दैट आर मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन. ऐसे मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है. कौन कौन से ऐसे मेटल? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, लेड एक्सेट्रा. इन दिस केस नेक्स्ट हाइड्रोजन इज लिबरेटेड विच फर्दर रिड्यूस टू नाइट्रिक एसिड. मेटल लिया एच एन ओ थ्री के साथ कंबाइन किया और हमें जो है प्रोडक्ट मिल गया एम एन ओ थ्री ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल गई. ठीक है, एच एन ओ थ्री को हाइड्रोजन के साथ किया, रिडक्शन प्रोडक्ट बन गया हमारे पास और एच टू गैस निकल गई. इन दिस केस द प्रिंसिपल प्रोडक्ट इज एन ओ टू विद कंसंट्रेटेड एच एन ओ थ्री एन टू ओ विच सॉरी विद डील डिल्यूट एच एन ओ थ्री एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट विद वेरी डिल्यूट HNO3. फॉर एग्जाम्पल जिंक रिएक्ट्स एज जिंक के साथ करता है HNO3 के साथ. हमारे पास क्या बनता है? ZnNO3 NO3 ट्वाइस प्लस 2H. अब दोबारा से किया है HNO3 को हाइड्रोजन के साथ NO2 प्लस H2O. इसको होल ट्वाइस बैलेंस करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास नीचे जो है वो प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वो बनती है. ठीक है, तो ये जिंक के साथ ही यूजिंग डल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉर्म द नाइट्रस ऑक्साइड. ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है
और यूजिंग डल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉर्म द एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं HNO3 का यूज़ करते हैं। सेकेंड है मेटल्स हैव द लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। पहले हमने पढ़ा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, अब पढ़ रहे हैं लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स देन हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल कॉपर, बेरिलियम, मर्करी एंड सिल्वर। इन दिस केस नेनेस्ट हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड, नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट नहीं होगी। HNO3 रिडक्शन प्रोडक्ट बनाएगा, साथ में H2O, साथ में कौन सी गैस निकल रही है, अब ऑक्सीजन गैस निकल रही है। मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस HNO3 गिव्स यू मेटल नाइट्रेट एंड H2O। दिस इज़ अ जनरल, और ये इन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट बताए हैं यूजिंग द कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ कर रहे हैं, तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है। अगर हम क्या करते हैं डिल्यूट, ये कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ था, ये डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ है। डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो सिमिलरली उन्होंने मर्करी के साथ दिए हैं। एक्शन ऑन नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स के साथ क्या बनाता है ये, नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम आर नॉट अटैक्ड बाय द नाइट्रिक एसिड, हाउएवर दीज मेटल्स आर अटैक्ड बाय द एक्वारीजिया 3-part कंसनट्रेटेड HCl एंड 1-part ऑफ HNO3 फॉर्मिंग द क्लोराइड्स। एक्वारीजिया दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बेटा, पेपर में जो है बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज एक्वारीजिया। एक्वारीजिया इज द 3-part ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड 1-part ऑफ HNO3, ठीक है। एक्वारीजिया इसमें क्या होता है, गोल्ड और प्लैटिनम क्या होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक्वारीजिया। एक्वारीजिया की डेफिनेशन आपने ये जरूर याद कर लेनी है, 3-part ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड 1-part ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3, ठीक है। तो आगे है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स आर द कंपाउंड्स। नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट हैज़ ए टेंडेंसी टू गिव द नेनेस्ट ऑक्सीजन एज HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड लिया है, साथ में इसने क्या दे दिया है हमारे पास 2NO2 प्लस 2H2O, सॉरी H2O और ऑक्सीजन। अगर डिल्यूट लेते हैं तो भी हमारे पास ऑक्सीजन मिलती है। नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड्स मैनी नॉन मेटल्स एज ए कंपाउंड, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन दी है आगे। डिल्यूट नाइट्रिक एसिड हैज़ एक्शन ऑन द नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर, फॉस्फोर एक्सेट्रा। देखिए नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज सल्फर टू सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर की ऑक्सीडेशन करके क्या बना देता है ये सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टू कार्बोनिक एसिड, कार्बन लिया है यहाँ पर हमने रिएक्टर में और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज फॉस्फोरस टू फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस लिया है सिंपल, फॉस्फोरिक एसिड जो है वह इसमें कन्वर्ट हो जाता है जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन ऑफ द कंपाउंड्स में देखिए नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर। कैसे हमने ऑक्सीडेशन की है, हाइड्रोजन सल्फाइड HNO3 के साथ किया तो हमारे पास क्या मिल गई सल्फर। ये डिल्यूट के साथ किया, अगर हम कंसनट्रेटेड के साथ करते हैं तो भी हमारे पास क्या मिलती है सल्फर मिलती है। और
यहाँ पर देखिए, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड लिया है, HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराई है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O तो हमें क्या मिल गया है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये डिल्यूट लिया था। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड में सीधा सल्फर डाइऑक्साइड HNO3 के साथ कंबाइन करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्शन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैसे करता है, नाइट्रिक एसिड आल्सो रिएक्ट विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल सुक्रोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सालिक एसिड बाय द नाइट्रिक एसिड। सुक्रोज लिया है, इन द इसकी रिएक्शन करवाई है हमने HNO3 के साथ, हमें क्या मिल गया है, ऑक्सालिक एसिड, ठीक है। और दिया है बेंजीन HNO3 के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोबेंजीन जो है वो हमें देता है। तो ये थी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ HNO3 की रिएक्शंस। नेक्स्ट बेटा जो आपने करना है, वो आपने करना है यूजेस ऑफ द नाइट्रिक एसिड, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय द लेड चैम्बर प्रोसेस। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सप्लोजिव सच एज ट्राइनाइट्रोटोलुइन TNT बोलते हैं जिसे, पिक्रिक एसिड एक्सेट्रा, नाइट्रोग्लिसराइन की भी ये प्रेपरेशन में यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग में। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाई परफ्यूम्स एंड द सिल्क। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नाइट्रेट फॉर यूज इन द एक्सप्लोजिव एंड द पायरोटेक्निक्स। इट इज़ यूज्ड इन द पिकलिंग मीन्स क्लीनिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील एंड एचिंग ऑफ मेटल। इट इज़ यूज्ड as an oxidizer in rocket fuel. It is used in the purification of gold and the silver as a aquaresia. जो हमारे ornaments होते हैं, जितने भी gold के silver के जैसे हम बोलते हैं ना, तो उसको cleaning के लिए क्या use करते हैं, aquaresia, ठीक है। तो what is aquaresia? Aquaresia is the three part of concentrated HCl and one part of HNO3, ठीक है। तो these are the all about your nitric acid. Thank you.